जिला मुख्यालय हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत बल के वार्ड नंबर 2 में 2 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बल पंचायत के वार्ड नंबर 2 के 2 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी की आपूर्ति ना के बराबर होने से समस्या गहराती जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार पानी की समस्या के बारे में आईपीएच विभाग के अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन समस्या का निवारण ना होने के चलते ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण चमेल सिंह का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, जिससे पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत भी बरसात के दिनों में मिट्टी से भरने के कारण सारा पानी गंदा हो गया है। समस्या है भाई, 1 महीने से 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, हफ्ता हो गया और टैंक भरा हुआ है और पीछे टुल्लू लग रहे हैं, टैंकों में पानी लगाया हो लोगों ने और हमारे को 20 घर में कोई पानी नहीं है 10 दिन से। हम बहुत परेशान है, अगर नहीं है पानी तो फिर ये बोल रहे हैं जयराम ने स्कीम चलाई भी घर घर में पानी नलका, तो ऐसे तो फिर बिल भरने वाला काम होगा। शिमला तक की 4 बार दफ्तर में भी डेली फोन करते हैं एसडीओ को, एसडीओ भी बोलता है करेंगे कुछ करते हैं, एनओसी दो सरकारी रास्ते में साइड साइड से हम बोल रहे हैं पाइप डाल दो नहीं, और हमारे 20 घर को मतलब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, तो कोई सुनवाई नहीं करता है सरकार, क्या बोले किसको बोले किसके पास जाए भाई। वहीं स्थानीय निवासी महिला ने बताया कि समस्या के बारे में कई बार विभाग को अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द ही पानी की समस्या को दूर किया जाए। बोरिंग भी खराब है, पानी नहीं आता, नलके माला भी कुतना दसना पीने भी कुछ ले आना पानी है, रोज पानी वाले भी फोन कर रहे हैं, पानी छोड़ एसडीओ को फोन कर रहे हैं, एक्शन को फोन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, पानी दे रहे हैं पानी तेड़कने दोते आए पानी। वहीं ग्रामीण मोहित और अभिषेक ने कहा कि गांव के एक छोर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से दुरुस्त रहती है, लेकिन दूसरे छोर पर पानी नहीं आता है। उन्होंने बताया कि गांव के 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों को अलग से पाइप डलवाने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक पाइप नहीं डाली गई है, जिसके कारण हर बार ये समस्या खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो नेचुरल स्रोत है जैसे बॉडियाँ होगी बाएँ होंगी, ये सारी बरसात की वजह से खराब हो चुकी हैं और उस वजह से अब पानी की समस्या हो गई, और नल में ऐसे भी पानी नहीं आ रहा, 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, अब पीने के लिए भी दिक्कत है, पशुओं के लिए भी दिक्कत है, अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, अगर बॉडियाँ होती तो बॉडियों से पानी भरते, अब प्रॉब्लम ये है ना यहाँ पानी आ रहा है और पीछे गाँव में पानी आ रहा है, इन 20 घरों को ही मेन प्रॉब्लम है और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है बल में। तो आईपीएच डिपार्टमेंट को भी बताया तो क्या समस्या नहीं, आईपीएच डिपार्टमेंट को बताया, COVID-19 के बीच में वो आए थे, उन्होंने कहा था अलग पाइप डालेंगे पर अभी तक ना अलग पाइप डाली है ना कुछ किया है, अब तो अब शिमला तक प्रॉब्लम को भेजा गया है तब भी कोई समस्या का हल हुआ नहीं है। एक ही मतलब हमारे गाँव में पानी नहीं आता है, और जितना आता है पीछे टुल्लू लगाए होते हैं लोगों ने अपने घर में और टैंकों में लगाए होते हैं उन्होंने पाइप, और सारा पानी वो खींच लेते हैं, इस कारण यहाँ पे पानी नहीं आता है 15-20 घरों में।